जल्दी से जल्दी इस परिवार को, इस लड़की को न्याय मिलेगा। तो ये मैं आपको कहना चाहता था। अशोक गहलोत जी, हाँ, राजनीति हो रही है आपको लगता है? नरेंद्र मोदी जी बोला दो बार, नहीं, देखिए देखिए, फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, जैसे ही मैंने ये बात सुनी, मैं अशोक गहलोत जी को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा देखिए ये हुआ है और मैं एकदम यहाँ आना चाहता था, कल आ रहा था, कल थोड़ा वेदर में प्रॉब्लम आया। मेरे लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मेरे लिए ये एक इमोशनल बात है। एक लड़की के साथ गलत काम किया गया है और हिंदुस्तान में, सिर्फ राजस्थान में नहीं, सिर्फ अलवर में नहीं, हिंदुस्तान में हमें मैसेज देना है कि जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनके साथ ये बर्ताव नहीं टॉलरेट हुआ किया जाएगा। सर, इससे परिवार को और क्या भरोसा दिया आपने, किस तरह का आश्वासन दिया? देखिए, मैं फ्रैंकली, उन्होंने पर्सनल चीज़ें कही हैं, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूँ। उन्होंने न्याय की बात बोली, वो मैं आपको बता सकता हूँ, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा और जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई होगी। भैया, आज ही पड़ोस में पास के गांव में ही 6 साल की बच्ची से रेप हुआ है, क्या आप वहां पे भी जाएंगे? मेरे प्रोग्राम में नहीं है और आज अनफॉर्चुनेटली मैं चला जाता, मगर अनफॉर्चुनेटली क्या है कि मेरी एक बिहार में मीटिंग है तो मैं उसको डिले नहीं कर सकता हूँ। बट गहलोत जी, भैया अब मैं देखिए, सॉरी, अब सुनिए सुनिए, देखिए मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ एक परिवार से, एक लड़की से मिलने आया हूँ। जो उन्होंने मुझे कहा है, दिल से कहा है, मैं उस पर एक्शन लूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर क्या वो राजनीति कर रहे हैं या फिर आपको फीडबैक यहाँ से अर्जुन से देर से मिला इसलिए देर से आए? वो राजनीति कर रहे हैं तब भी राहुल जी ने कहा हम नहीं करेंगे, इसके मायने होते हैं। वो राजनीति कर रहे हैं, पूरा देश जानता है, सबको मालूम है कि 2 तारीख को FIR लॉन्च हो गई थी, कार्रवाई शुरू हो गई, चुनाव 6 तारीख को थी। प्रधानमंत्री जी अगर खुद बोलते इस प्रकार से झूठ, असत्य, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा देश का? और इसलिए चुनाव जीतने के लिए सरकार ने छिपाए रखा, पूरी पार्टी आंदोलन करने उतर रही है, आप समझ सकते हैं। राहुल जी की इस पर सोच, जो भी बताई ना आपने, कि हमारी कोई राजनीतिक ने मंशा नहीं, हमने कार्रवाई करी है, 7 दिन में हम लोग चालान पेश कर देंगे, हमने कई फैसले भी किए हैं, इनके लिए नौकरी का प्रबंधन करेंगे हम लोग, जो घटनाओं के रूप में देखते हुए, जिस रूप में हमने कहा SP ऑफिस में, फ्यूचर के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर,